नमस्कार दोस्तों, पैन इंडिया फिल्म्स की एक और रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मौजूदा समय में भारत के अंदर साउथ इंडियन सिनेमा का बोलबाला है, क्योंकि फिलहाल लोग हिंदी मूवीज से ज्यादा साउथ की मूवीज को तवज्जो दे रहे हैं, और शायद यही वजह है कि बॉलीवुड आजकल साउथ की मूवीज के रीमेक बना रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड ही साउथ मूवीज को कॉपी करता हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी बॉलीवुड मूवीज के रीमेक बना रही है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी हिट बॉलीवुड मूवीज के बारे में जिनके रीमेक्स साउथ में भी बन चुके हैं। 12 अंधाधुन। अब बात 2008 में आई आयुष्मान खुराना, राधिका आप्टे और तब्बू स्टारर अंधाधुन मूवी की। तो इस मूवी के भी साउथ इंडस्ट्री में विभिन्न भाषाओं में रीमेक बन चुके हैं, जिनमें से जहां तेलुगु रीमेक का नाम माइस्ट्रो है, तो वही मलयालम रीमेक का नाम भ्रमम है। दोस्तों, दोनों ही रीमेक्स साल 2021 में रिलीज किए जा चुके हैं, जिन्हें बॉलीवुड में बनी ओरिजिनल अंधाधुन की तरह ही दर्शकों द्वारा काफी पसंद भी किया गया है। और शायद यही वजह है कि अब इसी साल 2022 में इसका अंधागन नाम से एक तमिल रीमेक भी बनाया जा रहा है, जिसमें प्रशांत, प्रिया आनंद और सिमरन जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। 11 OMG। परेश रावल, मिथुन चक्रवर्ती और अक्षय कुमार की OMG यानी कि ओ माई गॉड मूवी तो आपने देखी होगी, जो बॉलीवुड की एक हिट मूवी में गिनी जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसे सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही बनाया गया था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में भी इसके दो रीमेक बन चुके हैं, जिनमें से 2015 में आए तेलुगु रीमेक का नाम गोपाला गोपाला है और 2016 में आए कन्नड़ा रीमेक का नाम मुकुंदा मुरारी है। दोस्तों, जहां इसके तेलुगु रीमेक में पवन कल्याण, वेंकटेश और मिथुन चक्रवर्ती जैसे एक्टर्स ने काम किया था, तो वहीं कन्नड़ा में भी किच्छा सुदीप, रविशंकर, उपेंद्र जैसे अभिनेता इस मूवी का हिस्सा थे, जिसके चलते इन दोनों ही रीमेक्स ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। 10 आशिकी 2। आशिकी 2 मूवी बॉलीवुड की उन मूवीज में से है जिसके गाने और लव स्टोरी आज भी दर्शकों को याद है। लेकिन शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि आशिकी 2 भी बॉलीवुड की उन मूवीज में शुमार है जिसका साउथ में रीमेक बन चुका है। जी हाँ, तेलुगु रीमेक में बनी इस मूवी का नाम नी जाथागा नेनुंदली है, जिसमें सचिन जोशी, नाजिया हुसैन और राव रमेश जैसे एक्टर्स ने काम किया था। हालांकि जिस तरह से हिंदी सिनेमा में आशिकी 2 हिट हुई थी, वैसा कुछ इस रीमेक के साथ नहीं था, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही गई थी। 9 अवेंसडे। दोस्तों, नीरज पांडे द्वारा निर्देशित अवेंसडे मूवी तो आप में से ज्यादातर लोगों ने देखी होगी, जिसमें नजरुद्दीन शाह और अनुपम खेर मुख्य किरदार में थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस मूवी के भी साउथ इंडस्ट्री में रीमेक बन चुके हैं, जिनमें से 2009 में आए इसके तमिल रीमेक का नाम उन्नई पोल ओरोवन था, जिसमें कमल हासन और मोहनलाल जैसे उम्दा एक्टर्स ने काम किया था। इसके अलावा ही 2009 में आए एनाडू नाम के इस तेलुगु रीमेक में भी कमल हासन ही मेन एक्टर थे, जिसमें उनका साथ वेंकटेश ने दिया था और ये मूवी भी दर्शकों को खासी पसंद आई थी। 8 जॉली LLB। समाज की सच्चाई को दर्शाती अरशद वारसी स्टारर जॉली LLB ने हिंदी सिनेमा में ऑडियंस के ऊपर खासी छाप छोड़ी थी, क्योंकि इस मूवी में मजाक के साथ साथ समाज के गंभीर मुद्दों को भी दिखाया गया था, और शायद यही वजह थी कि साउथ इंडस्ट्री में भी इस मूवी का रीमेक बनाया गया था। वेल, तमिल में बने इसके रीमेक में उदयनिधि स्टालिन, हंसिका मोटवानी, प्रकाश राज जैसे कलाकारों ने जबरदस्त एक्टिंग की थी, जिसका परिणाम ये निकला था कि ये मूवी तमिल ऑडियंस को खासी पसंद आई थी, जिसे IMDB पर 6.9 की रेटिंग मिली है। इतना नहीं, इसके तेलुगु रीमेक सप्तागिरी LLB को भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला था, जिसके चलते तेलुगु ऑडियंस द्वारा इसे IMDB पर 7.2 की रेटिंग मिली थी। 7 मुन्ना भाई MBBS। दोस्तों, राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित संजय दत्त स्टारर मुन्ना भाई MBBS बॉलीवुड की सबसे फेमस मूवीज में से एक है। लेकिन शायद ही आपको जानकारी हो कि इस मूवी के साउथ इंडस्ट्री में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन रीमेक बन चुके हैं, जिनमें से 2004 में बने तमिल रीमेक का नाम वसूल दादा MBBS था, जिसमें कमल हासन, प्रभु स्नेहा और प्रकाश राज मुख्य किरदार में थे। इसके बाद साल 2004 में ही शंकर दादा MBBS नाम से इस मूवी का तेलुगु रीमेक आया, जिसमें चिरंजीवी, श्रीकांत, सोनाली बेंद्रे और परेश रावल जैसे बड़े बड़े एक्टर्स ने काम किया था। इतना ही नहीं, 2006 में इस मूवी का कन्नड़ा रीमेक भी आया था, जिसे भी लोगों ने खासा पसंद किया था। 6 स्पेशल 26। जिस तरह से हिंदी ऑडियंस को स्पेशल 26 मूवी पसंद आई थी, ठीक उसी तरह साउथ सिनेमा में बने इसके तमिल रीमेक यानी कि थन्ना सरंधा कूटम को भी तमिल ऑडियंस ने काफी सराहा था, और यही वजह थी कि इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। खैर, उस मूवी की स्टोरी तो यूनिक थी ही, साथ ही इसमें काम करने वाले एक्टर्स भी उम्दा थे, जिसमें सूर्या, कीर्ति सुरेश जैसे बड़े नाम शामिल थे, जो इस मूवी के हिट होने का एक बड़ा कारण बने। 5 डेली वैली। अब बात डेली वैली की करें तो इमरान खान स्टारर इस फिल्म ने हिंदी ऑडियंस को एक तरह से सरप्राइज ही किया था, क्योंकि कम बजट में बनी ये मूवी एक हिट साबित हुई थी, जिसके चलते साउथ सिनेमा ने भी सटाई नाम से इसका रीमेक बनाया गया, जहां आर्य और हंसिका मोटवानी लीड रोल में थे।
हालांकि जहां ये फिल्म हिंदी ऑडियंस के दिल में उतर गई थी, तो वहीं इसने तमिल रीमेक में ज्यादा कुछ खास नहीं किया था, जिसके चलते इसे आईएमडीबी पर सिर्फ 4.5 की रेटिंग मिली थी। 4. दबंग। दोस्तों, सलमान खान की दबंग मूवी बॉलीवुड की चुनिंदा हाईएस्ट ग्रॉसिंग पुलिस मसाला मूवीज में से एक है, जिसे दर्शकों द्वारा खासा पसंद किया गया। इस मूवी में सलमान खान ने एज चुलबुल पांडे काफी सुर्खियां बटोरी थी, जिसके चलते 2012 में साउथ सिनेमा में इसका रीमेक बनाया गया था। गब्बर सिंह नाम से बने इस तेलुगु रीमेक में मेन किरदार पवन कल्याण ने निभाया था, जिसके चलते मूवी भी दबंग की तरह खासी हिट हुई थी और इसे आईएमडीबी पर 7.1 की रेटिंग भी मिली थी, क्योंकि इसमें पवन कल्याण के किरदार को फैंस ने काफी प्यार दिया था। 3. जब वी मेट। इम्तियाज अली की जब वी मेट मूवी हिंदी ऑडियंस के लिए एक मेमोरेबल मूवी है, जिसने बॉक्स ऑफिस में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, क्योंकि इस मूवी में शाहिद कपूर और करीना कपूर ने अपने एक्टिंग के जलवे बिखेरे थे। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी इतनी वेल रिटन थी कि साउथ इंडियन सिनेमा में भी इसका रीमेक बनाया गया। ये एक तमिल रीमेक था जिसका नाम था कंदन कथायलाई, लेकिन जिस तरह जब वी मेट ने हिंदी ऑडियंस के ऊपर अपना प्रभाव डाला था, वैसा कुछ इसने तमिल रीमेक के साथ नहीं दिखा, जिसके चलते इस मूवी को आईएमडीबी पर सिर्फ 5.5 की रेटिंग मिली, जबकि इसके ओरिजिनल वर्जन को आईएमडीबी पर 7.9 रेटिंग मिल चुकी थी। खैर, भले ये मूवी साउथ इंडस्ट्री में खड़ी ना उतरी हो, पर इसमें अदाकारी करने वाले तमन्ना भाटिया के काम को बहुत ही ज्यादा सराहना मिली थी। 2. लगे रहो मुन्ना भाई। दोस्तों, मुन्ना भाई मीबीएस की तरह ही संजय दत्त की लगे रहो मुन्ना भाई मूवी का भी साउथ इंडस्ट्री में रीमेक बन चुका है, जिसका नाम शंकर दादा जिंदाबाद था। 2007 में आई ये मूवी एक तेलुगु रीमेक थी, जिसमें शंकर दादा एमबीबीएस की तरह ही मेगा स्टार चिरंजीवी लीड रोल में थे, जिसे दर्शकों द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था और ये एक हिट मूवी साबित हुई। हालांकि जिस तरह मुन्ना भाई मीबीएस के तमिल और कन्नड़ा रीमेक बने थे, वैसा कुछ लगे रहो मुन्ना भाई के साथ नहीं था, क्योंकि इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ तेलुगु रीमेक ही बनाया गया था। 1. 3 इडियट्स। बॉलीवुड के सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक मानी जाने वाली राजकुमार हिरानी निर्देशित 3 इडियट्स मूवी ने भी साउथ इंडस्ट्री पर खासा प्रभाव छोड़ा था, जिसके चलते 2012 में साउथ इंडस्ट्री में भी ननबान नाम का इसका रीमेक बनाया गया था। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इस तमिल रीमेक में साउथ इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक यानी कि थलापाथी विजय ने अभिनय किया था, जिसमें उनके साथ जीवा, श्रीकांत, सत्यराज और इलियाना डी क्रूज जैसे एक्टर्स भी थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह हिंदी सिनेमा में 3 इडियट्स ने धमाल मचाया था, ठीक उसी तरह तमिल रीमेक भी दर्शकों के सर चढ़कर बोली थी, जिसके चलते ये मूवी साउथ में भी हिट साबित हुई। तो दोस्तों, आपने इनमें से कौन सा रीमेक देखा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।